नमस्कार दोस्तों, सेविंग फंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस 2023 की सबसे धांसू स्कीम। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक अकाउंट ओपन करो और हर महीने दोस्तों घर बैठे यहां पर 8,875 रुपये की एक फिक्स इनकम है वो हासिल करो, वो भी 7.1% की ब्याज दर के साथ। दोस्तों, हर महीने यानी कि आपको अगले 5 सालों तक 8,875 रुपये की हर महीने एक फिक्स इनकम है जो होती रहेगी। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम कौन सी है? इस स्कीम में 1,00,000 रुपये, 2,00,000, 5,00,000, 9,00,000, 10,00,000 या फिर मैक्सिमम 15,00,000 रुपये अगर आप है जो डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ साथ जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना मिलेगा अलग अलग। ये दोस्तों सारी डिटेल है जो हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेटर की हेल्प से है जो डिटेल में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस मोस्ट पॉपुलर स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलता है कि यहाँ पर एक तो आपका पैसा FD की तरह है जो डिपॉजिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, उस पर हर महीने का जो ब्याज बनता है वो सीधे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो हर महीने क्रेडिट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम MIS स्कीम में डिपॉजिट अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो करके देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर है जो बेसिक फीचर्स है वो देख लेते हैं। इसमें दोस्तों बात करें सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की, तो MIS स्कीम का अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक है जो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट है जो ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी है जो ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, जॉइंट अकाउंट में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई 10 साल तक का माइनर है तो वो अपने खुद के नाम से इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, और कोई अनसाउंड पर्सन है तो उनके अकाउंट को ओपन करवा के जो गार्जियन या फिर पेरेंट्स हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बात होगी यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की। अब MIS स्कीम की जो मैच्योरिटी वो जान लेते हैं। तो अगर आप 2023 में MIS स्कीम का जो अकाउंट है वो ओपन करवाते हैं तो पहले की तरह ही दोस्तों यहाँ पर आपको 5 साल की जो मैच्योरिटी है वो मिलती है, यानी दोस्तों आपका डिपॉजिट किया गया पैसा है वो 5 साल बाद आपको मैच्योर होकर वापस मिलेगा। चलिए अब हम दोस्तों इस स्कीम की जो डिपॉजिट लिमिट है वो देख लेते हैं। तो अगर आप MIS स्कीम का जो सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट में आप नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब है जो आप 9,00,000 रुपये मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर 2 या 3 लोग मिलकर अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस का MIS अकाउंट, तो फिर दोस्तों बजट 2023 न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आप 15,00,000 रुपये मैक्सिमम है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर करंट की बात करें दोस्तों इस पर आपको 7.1% का जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो दिया जा रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस का सेकंड एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों, इसमें ब्याज आपको हर महीने यानी कि मंथली है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम है या फिर जो अदर प्लान है उसमें आपको या तो फिर हर 3 महीने क्वार्टरली है या फिर सालाना जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है। जबकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या मान लीजिए आप करने वाले हैं तो डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ के एंड में दोस्तों यानी कि मान लीजिए आप अप्रैल 2023 में जो MIS अकाउंट में है जो अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मई 2023 में आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने इस स्कीम में है जो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, 5 साल की मैच्योरिटी के बीच में मान लो आपको कभी पैसों की इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर क्या इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप MIS अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं, बट इसमें कुछ जो कंडीशन होगी वो एक बार आप देख लीजिए। इसमें अकाउंट ओपन होने के अगर 1 साल बाद आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं जिसमें कि मान लीजिए 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया है उसमें से 2% अमाउंट है जो आपका डिडक्शन कर लिया जाएगा और बाकी का अमाउंट दोस्तों यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में है जो एजिटिव क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये MIS अकाउंट में जो डिपॉजिट करवाया है और 3 साल से पहले अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1,00,000 का 2% कितना हुआ 2,000, यानी कि दोस्तों 1,00,000 में से 2,000 कट हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 98,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है जो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं आप मान लीजिए 3 साल बाद मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर है जो 1% अमाउंट का डिडक्शन होगा, यानी कि आपने 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करवाया है और मैच्योरिटी से पहले आप है जो अकाउंट को क्लोज करवा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों
जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिला था वो तो आपको मिलेगा ही, बट यहाँ पर आपने जो लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया था 1,00,000 रुपए, उसमें से दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपए कट होकर आपको 99,000 है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो MIS अकाउंट में आप मान लीजिए 1,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं, हर महीने आपको यहाँ पर दोस्तों 1,00,000 रुपए पर जो इंटरेस्ट बनेगा आपका वो होगा यहाँ पर 591 रुपए, जो कि दोस्तों 5 साल में टोटल हो जाएगा यहाँ पर 35,500 रुपए। वहीं दोस्तों 2,00,000 रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर 1,183 रुपए का है जो इंटरेस्ट मंथली आपके अकाउंट में है जो जमा कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों 5 साल में टोटल यहाँ पर है जो 71,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट होगा। वहीं अगर आप दोस्तों 5,00,000 रुपए है जो MIS अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने यहाँ पर आपको 2,958 रुपए की एक फिक्स मंथली जो इनकम है वो होती रहेगी, और वो दोस्तों जो पैसा है वो बढ़कर 5 साल में होगा यहाँ पर आपका 1,77,500 रुपए। वहीं इसमें दोस्तों 9,00,000 रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं जो कि सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, तो फिर आपको यहाँ पर दोस्तों 5,325 रुपए की मंथली है जो फिक्स इनकम होती रहेगी, और टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको है जो 5 साल में 3,19,500 रुपए है जो इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पर दोस्तों 10,00,000 रुपए डिपॉजिट की, तो हर महीने आपको यहाँ पर है जो 5,916 रुपए मिलते रहेंगे, और टोटल पैसा दोस्तों यहाँ पर आपको जो मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में 5 साल में 3,55,000 रुपए। बात करें यहाँ पर 12,00,000 की, तो 12,00,000 रुपए अगर आप MIS अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7,100 रुपए की यानी कि 7,100 रुपए की आपको है जो मंथली इनकम के साथ जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में वो 4,26,000 रुपए मिलेगा। वहीं हम यहाँ पर दोस्तों MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आप 15,00,000 रुपए निवेश करते हैं तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% के हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पर मंथली 8,875 रुपए की यानी कि करीब 9,000 रुपए की है जो एक फिक्स मंथली इनकम है वो होती रहेगी अगले 5 सालों तक, जो कि दोस्तों 5 साल में टोटल जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा आपका सिर्फ ब्याज के रूप में वो बनेगा यहाँ पर 5,32,500 रुपए का, जो कि इंटरेस्ट आप हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों यही 15,00,000 रुपए निवेश करके आप 10,000 रुपए की फिक्स मंथली इनकम हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट बिल्कुल यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का मंथली जो इंटरेस्ट है वो देगा। जी हाँ, अगर इस स्कीम में आप 15,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं MIS अकाउंट की तरह तो यहाँ पर क्वार्टरली आपको 30,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पर, क्योंकि वहाँ पर आपको है जो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और जिसको दोस्तों मंथली में अगर हम कन्वर्ट करें तो 10,000 रुपए का आपका है जो फिक्स मंथली इंटरेस्ट होगा। सीनियर सिटीजन अकाउंट का दोस्तों कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, और उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम अकाउंट 2023 की कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।